नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। चुनावी सफर में आज बात करेंगे महाराष्ट्र की अकोला सीट की, जहां से इस वक्त संजय श्यामराव धोत्रे सांसद हैं, जिन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के नेता पटेल हिदायत उल्ला को 2,03,116 मतों से पराजित किया था। उस साल संजय श्यामराव धोत्रे को यहां से 4,56,472 वोट मिले थे और हिदायत उल्ला को मात्र 2,53,356 वोटों से संतोष करना पड़ा था। आपको बता दें कि ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में स्थित अकोला एक वाणिज्यिक केंद्र है, जहां मुख्यतः कपास का व्यापार होता है, इसी कारण इसे कपास सिटी भी कहा जाता है। अकोला एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र भी है और यहां अमरावती विश्वविद्यालय से संबद्ध कई महाविद्यालय भी हैं। यहां की कुल आबादी 22,11,204 है, जिसमें से 65% लोग गांवों में और 34% लोग शहरों में निवास करते हैं। 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले अकोला जिले में अकोट, बालापुर, अकोल पूर्व, अकोला पश्चिम, मूर्तिजापुर और बशीम जिले के रिसोड़ विधानसभा क्षेत्र का समावेश है। यहां पहली बार आम चुनाव 1991 में हुआ था, जिसे कि कांग्रेस ने जीता था और तब से लेकर 1984 तक यहां पर कांग्रेस का राज रहा। इस दौरान गोपाल राव खेड़कर, एम एस हक और के एम असगर हुसैन यहां से निर्वाचित हुए। 71-72 के उपचुनाव में भी असगर हुसैन ने ही जीता था। 5वीं लोकसभा में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पहली बार वसंत साठे चुने गए, जिन्होंने बाद में 1977 में कांग्रेस के टिकट पर दोबारा जीत हासिल की। उनके बाद लगातार दो बार कांग्रेस के मधुसूदन बेराले चुनाव जीते। साल 1989 के चुनाव में यहां पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और पांडुरंग फुंडकर यहां से सांसद चुने गए और तब से लगातार 3 बार पांडुरंग फुंडकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद हैं और अकोला का प्रतिनिधित्व करते रहे। 12वीं लोकसभा के एक साल के उपचुनाव काल में एडवोकेट प्रकाश यशवंत अंबेडकर भारी बहुजन महासभा की ओर से विजयी हुए और 1999 में भी वो कांग्रेस के समर्थन से चुनाव जीते। साल 2004 में भाजपा के संजय धोत्रे ने यहां से बाजी मारी और तब से लेकर अब तक इस सीट पर भाजपा के संजय श्यामराव धोत्रे का ही राज है। दिसंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में संजय श्यामराव धोत्रे की उपस्थिति 84% रही है और इस दौरान उन्होंने 27 डिबेट में हिस्सा लिया है और 559 सवाल पूछे हैं। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर कांग्रेस, नंबर 3 पर BBM थी। उस साल यहां कुल मतदाताओं की संख्या 16,46,463 थी, जिसमें से मात्र 9,78,491 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,44,432 और महिलाओं की संख्या 4,34,059 थी। कुड़बी, मराठा, पाटिल, माली, इन जातियों के समीकरण के बीच मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका भी अकोला में महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि अकोला में 61% लोग हिंदू धर्म में और 19% लोग इस्लाम में भरोसा रखते हैं। पिछले 3 बार से यहां के लोग बीजेपी के साथ देते आए हैं, जबकि कांग्रेस यहां लंबे वक्त से जीत के लिए तरस रही है। क्या इस बार उसका सूखा यहां समाप्त होगा या एक बार फिर यहां कमल खिलेगा? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब चुनावी नतीजे देंगे।